हेलो, वेलकम टू द स्टडी बाय मी क्लासेस। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले थे सेकंड बुक द फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, जिसके ऑथर है जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट की अगर हम बात करें तो वे एक ब्रिटिश वेट सर्जन है एंड वो एक ऑथर है। तो जितनी भी उनकी स्टोरीज हैं वो उन्हीं की लाइफ एक्सपीरियंस पर इंस्पायर्ड हैं। सो ये जो हम करने जा रहे हैं अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, ये भी इनकी स्टोरी, इनकी एक्सपीरियंस का ही एक पार्ट है, तो वो शेयर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं द ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। तो हम सबसे पहले ट्रैम्प का मतलब देखते हैं कि ट्रैम्प का मतलब क्या होता है। ट्रैम्प का मतलब होता है टू विन, टू सक्सीड, या किसी चीज पर विक्ट्री हासिल करना, उसे हम बोलते हैं ट्रैम्प। एंड सेकेंड वर्ड आता है इसमें सर्जरी। तो सर्जरी यहां पर किसकी हुई है, तो इसी आगे हम इस लेसन में देखते हैं कि सर्जरी किसकी हुई है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो शुरू करते हैं। तो जेम्स हैरियट शुरू करते हुए कहते हैं कि जेम्स हैरियट अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि मिस्ट्री पम्फ्री, जो कि ट्रिकी की ओनर होती है। अब इसमें मिस्ट्री सॉरी जो ट्रिकी है वो कौन है। ट्रिकी एक डॉग है जो एक तरह से हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, और मिसेस पम्फ्री कौन है, ट्रिकी की ओनर है। तो मिसेस पम्फ्री जो होती है ट्रिकी के साथ जा रही होती है, तो जेम्स हैरियट जब ट्रिकी को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड और बहुत ज्यादा मतलब शॉक्ड हो जाते हैं उसको देखकर। शॉक्ड क्यों होते हैं, शॉक्ड इसलिए होते हैं क्योंकि जो ट्रिकी होता है वो बहुत ही ज्यादा फैट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ब्लॉटेड हो गया होता है, और जो उसकी आईज होती है उसे मानो कि मतलब बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, जैसे मानो कि ब्लड टपक रहा हो, इस तरह की उसकी आंखें हो जाती है और बहुत ज्यादा ब्लॉटेड सोसिस की तरह हो जाता है। सोसिस एक तरह का फूड होता है जो ब्लॉटेड मतलब फूला हुआ, तो वो इस तरह का हो जाता है। तो जो मिस्टर हैरियट है इसमें वो बहुत ज्यादा कंसर्ट फील करते हैं, बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि भाई ऐसे तो ये मर जाएगा, बहुत ज्यादा बीमार है। तो वो इस बारे में मिसिस पम्फ्री से बात ही करने जा रहे होते हैं, तो इतने में मिसिस पम्फ्री खुद जस्टिफिकेशन देते हुए जेम्स हैरियट से कहती है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रही थी कि इसे मैं कुछ भी मीठा ना दूं, कुछ भी जंक फूड ना दूं, कुछ भी ऑयली ना दूं, बट मुझे ये डर लग गया कि कहीं ये माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो जाए। अब माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण का शिकार ना हो जाए। तो मैं ये वो कहते कि मैं डर गई थी कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो जाए, इसी डर से मैंने उसे बहुत सारी चीजें देना शुरू कर दिया। और एंड में से वो ये भी कहती हैं कि मैं ये रिसिस्ट नहीं कर सकती थी, मैं रिसिस्ट नहीं कर सकती थी कि उसे कुछ भी खाने पीने को ना दूं, क्योंकि वो ये सब चीजें उसको बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ये सब चीजें उसको देती रही। तो जो हैरियट होते हैं उनको मतलब सब कुछ पता चल जाता है उनकी ये बात सुनकर कि इसमें जो सबसे ज्यादा गलती है वो किसकी है, ट्रिकी की है, क्योंकि ट्रिकी जो होता है वो बहुत ज्यादा ग्रीडी होता है और वो कभी भी कुछ भी खा लेता है। जब उसे कभी भी कुछ भी दो वो कुछ भी खा लेता है, क्योंकि वो एक तरह का ग्रीडी डॉग होता है, जब चाहे जब मिल गया जब ही खा लिया। तो वो समझ जाते हैं कि ये ट्रिकी की गलती है, इसमें इसकी ओनर की कोई गलती नहीं है। तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब कंसर्न वॉइस में बोलते हैं मिसिस पम्फ्री को कि अब ये सब उन्हें देना बंद करना होगा, क्योंकि इससे उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर इसे ठीक करना है तो इसे ये सब चीजें देना अवॉइड करना होगा। तो मिसिस जो पम्फ्री होती है पहले तो वो बहुत ज्यादा उदास होती है, क्योंकि वो उसका पैम्पर्ड डॉग होता है, मतलब लाडला लाड प्यार से, मतलब जैसे एक बच्चे को रखते हैं ना लाड प्यार से, वैसे वो उसके घर में वो रहता है। तो वो सोचती है कि भाई उदास हो जाती है कि भाई अब मैं उसको उसकी पसंद की खाने पीने की चीजें नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि उसको जैसे केक्स वगैरह बहुत पसंद होता है, तो वो सोचती है कि अब मैं ये सब चीजें उसको नहीं दे पाऊंगी, तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। बट फिर वो कहीं ना कहीं शेम भी फील करती है कि भाई मेरी वजह से मैं इसको इतना मतलब दे रही हूँ, तो इस वजह से ये ऐसा हो गया है। फिर वो वहीं डिसाइड करती है कि अब वो ऐसा नहीं करेगी, वो इसे ऐसा कुछ भी खाने पीने को नहीं देगी, और वो वहां से चली जाती है। तो क्या होता है कि कई दिनों तक कोई कॉल नहीं आती हैरियट के पास, मिस्टर हैरियट के पास। तो मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि आई थिंक मतलब सब ठीक हो गया होगा, और जो मतलब ट्रिकी है वो बिल्कुल ठीक हो गया होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बिल्कुल ठीक होगा। बट कई ऐसा होता है कि कई दिनों बाद मिसिस पम्फ्री की कॉल आती है हैरियट के पास, और वो हैरियट को कहती है कि जो उनका डॉग है वो मतलब उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है, अब वो अपना फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा,
इवन वो इधर उधर हिल डुल भी नहीं रहा, वो एक ही जगह बैठा रहता है ही नो मतलब वो एक ही जगह बैठा रहता है, ना इधर हिलता है ना डुलता है, कुछ भी नहीं, वो बैठा रहता है बिल्कुल सुस्त की तरह। तो जब हैरियट ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि भाई उसे अब हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगी तो उसकी तबीयत जो दिन पर दिन खराब होती जाएगी। अब हैरियट डिसाइड करते हैं कि वो अब ट्रिकी को मिसिस पम्फ्रे से दूर लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर वो दूर नहीं लेकर गए तो जो उनकी ओनर है मिसिस पम्फ्रे वो इसी तरह उसको देती रहेंगी, खिलाती रहेंगी, और वो इसी तरह से उसकी तबीयत और ज़्यादा दिन पर दिन बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं, तो वो कहते हैं मिसिस पम्फ्री को। तो मिसिस पम्फ्री फिर से उदास होती है, बट वो सोचती है कि भाई उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर उसे उसके उनके साथ भेजना ही सही रहेगा। तो मिसिस सॉरी जो जेम्स हैरियट होते हैं, हैरियट वो क्या करते हैं, वो खुद से ही ट्रिकी को लेने के लिए जाते हैं। ट्रिकी को इसलिए लेने जाते हैं ताकि जो मिसिस पम्फ्री हैं उनको मतलब दुख ना होए, क्योंकि वो खुद से छोड़ने जाएंगी। देखिए कोई ऐसी बात होती है जब हम किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लव करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जब हम उससे दूर होते हैं तो हमें थोड़ा सा फील होता है। तो वो यही सोचते हैं कि अगर वे खुद से यहाँ लेकर आएंगे तो उन्हें बहुत वो होगा, तो इससे अच्छा कि मैं खुद ही जाकर उसे लेकर आऊँ। तो वो खुद ही जाते हैं और साथ में उनका अपने हेल्पर को लेके जाते हैं। तो वो वहां से ट्रिकी को लेते हैं और साथ में उसका जो भी सामान होता है, जैसे उसका बाउल्स होता है, जैसे उसका डिनर बाउल अलग होता है, लंच बाउल अलग होता है, और ब्रेकफास्ट बाउल अलग होता है, और भी उसके सामान होते हैं, जैसे उसका ग्रेडल होता है, ब्लैंकेट होता है, ये सब चीजें लेकर उसका है, वो और उनके हेल्पर वहां से आते हैं। तो मिश्री पम्फ्रे थोड़ी सी दुखी होती है और इसी दुखी में फिर वो सोचती है कि वो ठीक हो जाएगा, इसीलिए उसे गुड बाय करती है और उसे जाने देती है। तो आगे क्या होता है, हैरियट मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, वो उसे हॉस्पिटल जहाँ पर वो सर्जरी रूम होता है वो वहाँ लेकर जाते हैं। तो वहाँ लेकर जाते हैं तो वहाँ पर उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करते, कोई ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करते, ना कोई इसको मेडिसन्स देते हैं, ना उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता, कुछ नहीं होता। वो सोचते हैं कि मैं इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, मैं इसको नेचुरली ठीक करूँगा। और क्योंकि ये एक पेम्पर्ड डॉग था, मिस पेम्फ्री ने इसे बहुत कुछ खिलाया पिलाया था, जो इसका दिल चाहता वो उसको खिलाती थी, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कई दिनों तक इसको सिर्फ ओनली पानी दूंगा, सिर्फ नहीं सिर्फ ओनली दोनों नहीं, ओनली पानी दूंगा, वाटर पे इसको रखूंगा ताकि ये रिकवर कर सके। तो वो वहां पर ले जाते हैं। अब जब वहां पर लेके जाते हैं सर्जरी रूम में, तो वहां और भी डॉग्स होते हैं, क्योंकि वहां पर और भी डॉग्स, जैसे ट्रिकी गया होता है वैसे वहां पर और भी डॉग्स आए होते हैं। तो वहां पर जो डॉग्स जो होते हैं, तो ट्रिकी जाकर वहां बैठता है, तो जो और डॉग होते हैं वो ट्रिकी के पास जाते हैं, मतलब उसको देखते हैं, स्निफ करते हैं, मतलब होता है ना एक जैसे एक अलग डॉग चला जाता है या एक अलग कहीं भी कोई एक अलग इंसान जाता है, लोग उसको देखने लगते हैं। तो ऐसा ही सेम वहां भी होता है, ट्रिकी को इसी तरह से सब स्निफ करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। तो फिर वो ट्रिकी वहां बैठता है। तो कई दिनों तक ट्रिकी को हैरियट सिर्फ पानी ही देते हैं ताकि वो रिकवर कर सके। तो जब वो कई दिनों तक पानी ही देता है तो थोड़े दिन बाद उसकी वो थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लगता है। तो रिकवर करने लगता है मतलब वो थोड़ा सा, फिर जब वो रिकवर करने लगता है तो उसे अपनी सराउंडिंग फील होती है, ठीक है, उसे अपनी सराउंडिंग फील होती है, और वहां पर जितने भी डॉग्स होते हैं, फिर वो धीरे धीरे उन डॉग्स जो भी गैंग ऑफ डॉग्स होती है, गैंग्स ऑफ डॉग की होती है, तो वो उसका पार्ट बनने लग जाता है, उनके साथ फिर वो खेलने कूदने लग जाता है, दौड़ने भागने लग जाता है, मतलब वो भी एक्टिव सा होने लग जाता है, क्योंकि वहां पर कई सारे डॉग्स होते हैं।